आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो मेरा क्वेश्चन है, व्हेन ब्लू कलर CuSO4 क्रिस्टल्स इज हीटेड इट गिव्स अ व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड, दिस व्हाइट सॉलिड इज। तो हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब हम ब्लू कलर्ड क्रिस्टल CuSO4 के जब हम हीट करते हैं तो ये हमें वाइट एमॉर्फस सॉलिड मिलता है। एमॉर्फस सॉलिड यानी कि सूखा सूखा सॉलिड, और दिस वाइट सॉलिड इज, हमसे पूछा गया है कि ये वाइट सॉलिड होता क्या है। तो सबसे पहले बात करें CuSO4 क्रिस्टल्स की, तो जो हमारा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं, कॉपर सल्फेट के जो ये क्रिस्टल्स होते हैं, ये देखने से तो हमें ड्राई दिखते हैं, देखने से ड्राई दिखते हैं, लेकिन ये ड्राई नहीं होते हैं। इनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो जब इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये क्रिस्टलाइजेशन वाला पानी उड़ जाएगा। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो ये इसके अंदर से पानी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ये उड़ जाता है, और ये किस कलर का कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है हमारा, ये हमारा व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट कलर, जो कि बहुत ही एमॉर्फस टाइप का होता है। इफ यू अगर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे वापस मॉइस्चर कर देते हैं, मतलब क्रिस्टल को वापस उसके सॉलिड में बनाना, उसके सॉल्ट में कन्वर्ट करना, और सॉल्ट से वापस उसे क्रिस्टल में कन्वर्ट करना, ये क्या एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जब हम इस क्रिस्टल को क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं तो ये व्हाइट कलर का सॉलिड दे देता है हमें, जो कि जिसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ चुका होता है। अब इसी का उल्टा करते हैं, हम इसे थोड़ा सा मॉइस्चर देते हैं, ज़्यादा नहीं भिगोते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर देते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है कि हमें हमारे जो क्रिस्टल थे वो हमें वापस मिल जाते हैं। ये जो सॉलिड था इसे हम मॉइस्चर दिया थोड़ा सा हमने, तो हमें मिल गया वापस अपना वही क्रिस्टल जो था हमारा ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर अपने आप वापस आ जाता है। तो अगर कंक्लूजन निकाले तो वो ये है कि जो CuSO4 है, CuSO4, इसमें 5 पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिन्हें हीट करने पे हमें ये अलग अलग मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है, ये हमारा तब होता है प्रोसेस जब हमें CuSO4 मिल चुका है, जो कि ये हमारा किस कलर का है, ये हमारा वाइट कलर का है। इसे हमने मॉइस्चर दिया, 5 पानी के मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट किए, और ये किस कलर का हो गया, ये हो गया हमारा ब्लू कलर का। तो ये प्रोसेस होता है CuSO4 के हीटिंग में। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये जो वाइट एमॉर्फस सॉलिड है ये क्या है। तो जो हमारे वाइट कलर के जो क्रिस्टल्स, वाइट कलर का जो सॉलिड होता है वो क्या होता है हमारा, वो हमारा CuSO4 होता है, जो कि वाइट इन कलर होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि CuSO4। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।